हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू शो आर्ट हब, आपका फेवरेट ऑनलाइन आर्ट क्लास। आज के इस क्लास में हम सी टर्टल्स बनाना सीखेंगे। इसमें मैंने यूज़ किया है वाटर कलर्स और आइवरी शीट। मैंने ऑलरेडी ड्राइंग करके रखा है, अब हम इसे पेंट करेंगे। शुरू में आप कलर्स बिल्कुल लाइट रखिए ताकि कलर मिक्सिंग में आसानी हो सके। थोड़े थोड़े और कलर्स मिक्स करके थोड़े से कलर वेरिएशंस भी लाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर यानी स्कारलेट लेक यूज़ किया है, साथ में आप दूसरे कलर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे येलो ऑकर, क्रिम्सन लेक, बर्नड सेना। अभी हम टर्टल का शेल ड्रॉ कर रहे हैं। वैसे क्या आपको पता है कि टर्टल कहाँ रहते हैं? बिल्कुल सही, टर्टल एक समुद्री प्राणी है जो पानी में रहते हैं। हालांकि कुछ टर्टल्स नदी में भी रहते हैं। जो टर्टल्स ज़मीन में रहते हैं उन्हें कहा जाता है टॉर्टोइज़ेस। टर्टल की बॉडी में जो शेल होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और उसमें कुछ इस तरह के पैटर्न्स भी होते हैं। तो हम एक एक पैटर्न्स को बिल्कुल बारीकी से कलर करेंगे। जब शेल कंप्लीट हो जाएगा तो हम दूसरे पार्ट को कलर करेंगे। यहाँ पे टर्टल के फिन्स यानी लेग्स को हम कलर कर रहे हैं। अब करेंगे उसके हेड को। जब डिटेलिंग करना हो तो ब्रश को बिल्कुल धीरे से चलाइए और कोशिश कीजिए कि आउटलाइन से बाहर ना जाए। यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे, थोड़ा सा कोबाल्ट ब्लू, अब थोड़ा सा कलर हम वाइप करेंगे क्योंकि हमें इतने कलर का ज़रूरत नहीं है। तो कलर्स को ऐसे ही आप खाली ब्रश से लिफ्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि ब्रश गीला ना हो वरना कलर ज़्यादा फैल जाएगा। अब थोड़े से वाटर स्प्लैशेस स्पेशल इफेक्ट के लिए। अब हो गया हमारा टर्टल कंप्लीट। अब हम बैकग्राउंड को कलर करेंगे। क्योंकि टर्टल पानी में रहता है तो बैकग्राउंड हम ब्लू रखेंगे बिल्कुल धीरे धीरे से, ताकि कलर्स स्प्रेड ना हो। आउटलाइन के करीब ब्रश को बिल्कुल ध्यान से चलाइए, कहीं पे अगर कलर स्प्रेड हो जाता है फिर दिखने में वो अच्छा नहीं लगता। तो लीजिए, ये हो गया हमारा टर्टल कंप्लीट। तो कमेंट्स में लिखिएगा कि कैसा लगा आज का वीडियो। मैं अपना साइन भी कर देता हूँ। मैं साइन हमेशा बंगाली में करता हूँ क्योंकि ये मेरा मदर टंग है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।